मैंने तो वही चीज़ें फॉलो की जो इन्होंने की, फिर भी मेरा मेकअप इतनी अच्छी क्यों नहीं लग रही है? ये इतनी पिक्चर परफेक्ट भी नहीं दिख रही है। मैंने तो वही चीज़ें की। अगर ये सवाल आपके दिमाग में कभी भी आया होगा किसी भी यूट्यूबर को देखने के बाद कि उन्होंने जो जो स्टेप्स फॉलो की, मैंने भी वही की थी, फिर भी मेरी बेस मेकअप जो है, मेरी जो फाउंडेशन है वो इतनी अच्छी नहीं लग रही है। कभी ना कभी तो आपके दिमाग में ये सवाल आया ही होगा। अगर आया है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर स्टॉपिंग बाय। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरी नाम है नीता और मैं मेकअप, स्किन केयर एंड ब्यूटी रिलेटेड वीडियोस अपलोड करने वाली हूँ। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कुछ जो स्टेप्स हैं उसे फॉलो करके आप कैसे एक फ्लॉलेस बेस, फ्लॉलेस फाउंडेशन आप अचीव कर सकते हो। अब ऐसे कभी कई बार ऐसा हुआ है, मेरी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है जैसे कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ, तो अगर मुझसे कुछ भी गलती हो जाए तो प्लीज प्लीज उसे माफ कर दीजिएगा। तो यार, जैसे कि मैंने पहले भी बताई थी कि ऐसा कभी कभी होता है कि हम एक यूट्यूबर को फॉलो करते हैं और फिर भी हमारा बेस ऐसा नहीं दिखती है, वो क्यों होते हैं? तो मैं हर स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी जो अगर आप फॉलो करोगे तो 100% आपको रिजल्ट मिलेगा और 100% आपका जो बेस मेकअप है वो बहुत ही अच्छा दिखेगा। और इस वीडियो के एंड में मैं कुछ सीक्रेट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो सभी यूट्यूबर्स नहीं बट कुछ यूट्यूबर्स फॉलो करते हैं, जिससे उनके जो फेस है, उनके जो बेस मेकअप है वो बहुत फ्लॉलेस दिखती है। तो इट्स यूट्यूबर्स लिटिल सीक्रेट्स, मैं वो आपके साथ रिवील करूंगी ताकि आप समझ सकें जे कि ऐसा क्यों होता है। ओके, तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखें क्योंकि मैं इस स्टेप में आपके साथ टिप्स शेयर करने वाली हूँ और मैं नहीं चाहती कि वो स्टेप्स आप और वो टिप्स आप मिस करें। तो वीडियो को पूरे की पूरी वीडियो जरूर देखें। तो अगर आपको पता नहीं है तो मैं बता दूं, मैंने एक नई जो सीरीज मैंने स्टार्ट की है बिगिनर्स के लिए, तो बिगिनर्स के मेकअप को लेके मैं वीडियो बनाऊंगी। उसका पहला जो वीडियो है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, जिसे मैं जिस वीडियो में मैंने शेयर की थी आप अपने लिए एक प्राइमर कैसे चूज करोगे आपके स्किन के हिसाब से और आपके स्किन के हिसाब से परफेक्ट फाउंडेशन शेड आप कैसे चूज कर सकते हो, तो उस आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो आप पहले देखिए। क्योंकि वो अगर आपका फाउंडेशन शेड ही अच्छा नहीं होगा, मैच नहीं करेगा, तो नो मैटर व्हाट यू डू योर फाउंडेशन विल नॉट लुक गुड। सो मैं आपको उसे हाई रिक्वेस्ट करूंगी कि वो वीडियो आप पहले देखिए फिर आप इस वीडियो पे रिटर्न कीजिए। ओके, तो हाँ, जो ये बिगिनर्स जो मेकअप है तो उसमें मैंने फाउंडेशन शेड के बारे में बात की थी। अब इस वीडियो पे मैंने फाउंडेशन ब्लेंडिंग और कैसे कैसे आप स्टेप फॉलो करके ब्लेंड करोगे वो बताऊंगी। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उस वीडियो पे मैंने हाइलाइटिंग, कॉन्टूरिंग और ब्लश लगाने की जो तरीके होते हैं, जैसे आप देख सकते हो मेरे एक राउंड फेस है, मैं कैसे कॉन्टूर करती हूँ वो आपसे शेयर करूंगी। और फिर मैं जो आई शेडो है, कैसे आप कलर कॉम्बिनेशन आप चूज करोगे, कैसे उसे ब्लेंड करोगे वो भी शेयर करूंगी किसी दूसरे वीडियो पे। और फाउंडेशन ब्रश और जो आई ब्रश है, फेस ब्रश है, वो ब्रशेस का भी मैं एक प्लेलिस्ट बनाने वाली हूँ, जिसको देख के आपको एक क्लियर आइडिया आपको मिलेगा कि आप कौन सी ब्रशेस आप यूज कर सकते हो। तो या प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज हिट लाइक बटन सो दैट यू डू नॉट मिस आउट ऑन एनी ऑफ माई वीडियो। सो या विदाउट फर्दर एडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आपने आपकी स्किन के हिसाब से फाउंडेशन शेड और आपके स्किन के हिसाब से प्राइमर आपने चूज कर लिया है, तो नेक्स्ट बारी आती है फाउंडेशन की।
तो मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि अगर आपकी स्किन केयर अच्छी होगी, अगर आपके स्किन केयर स्किन फ्लॉलेस होगी, तो आपकी फाउंडेशन ऐसे ही अच्छी दिखेगी। और इसीलिए इसके लिए आपको एक बहुत ही अच्छा डाइट प्लान मेंटेन करना ज़रूरी है। बहुत सारा पानी पीजिए, अगर पानी पियोगे आप तो आपकी स्किन में वैसे ही एक हेल्थी ग्लो आएगी। और बहुत सारे वेजिटेबल्स इंक्लूड कीजिए, फ्राइड चीज़ें मत खाइए, शुगरी चीज़ें यानी कि मीठी चीज़ें मत खाइए। तो ये सब आप फॉलो करो, आपके अंदर से आपको ब्यूटीफुल होना है, सिर्फ फाउंडेशन के लिए नहीं। तो अगर आप एक हेल्थी लाइफस्टाइल मेंटेन करोगे तो आपकी स्किन वैसे भी हेल्थी दिखेगी और आपके फाउंडेशन बहुत ही अच्छी तरह से अप्लाई होगी। ओके, तो स्किन केयर के लिए मैं पहले सजेस्ट करूँगी अपनी जो फेस है उसे एक फेस वॉश और कोई भी फेशियल क्लेंजर जो आप यूज़ करते हैं उससे आपके फेस को जो आप वॉश के लिए कर लीजिए और फिर एक्सफोलिएट कीजिए। तो मैंने अपनी फेस को वॉश कर ली थी मेरे सिटाफिल फेशियल क्लेंजर की मदद से, और फिर मैंने ये बायोटिक का जो बायो पपाया स्क्रब है इससे मैंने अपनी स्क्रब को अपनी फेस को स्क्रब कर ली थी। ओह माय हिंदी। एंड इससे क्या होता है, आपके जो डेड सेल्स होते हैं जो आपके फेस के जो सरफेस है वहाँ पे एक्यूमुलेट होती है तो वो चली जाती है और आपके फेस स्मूथ लगने लगती है। अगर आपको बहुत सारा ब्लैक हेड्स है, वाइट हेड्स है तो वो स्मूथ आउट हो जाता है और आपके जो स्किन स्मूथ दिखने लगती है, जो कि एक फाउंडेशन के लिए बहुत ही अच्छी है। नेक्स्ट जो है टोनर, तो मैंने मेरी जो डिकिंसन्स विच हेजल टोनर मैं लगाती हूँ वो उससे मैं अपनी टोनर लगा ली थी मैंने स्किन पे। और उसके बाद आता है मॉइस्चराइजेशन, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है। नो मैटर व्हाट स्किन टाइप यू हैव, ऑयली, नॉर्मल, ड्राई, आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से एक बहुत ही थिक लेयर अप्लाई कीजिए मॉइस्चराइजर की। अगर आपका ड्राई स्किन है और अगर आपका नॉर्मल स्किन है तो कोई भी ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर आप लगाइए, पर लगाइए ज़रूर, मॉइस्चराइजर बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आप अपने स्किन पे, अपने फेस पे और अपने नेक पे, क्योंकि आप अपने नेक पे भी फाउंडेशन लगाने वाले हो तो फेस पर नेक पे अच्छी तरह से मॉइस्चराइजर लगा लीजिए। तो मैं अपने मॉइस्चराइजर के लिए यूज़ की थी ये वैसलिन का जो मॉइस्चराइजर है, ये बहुत ही अच्छा होता है ड्राई स्किन वालों के लिए। और द नेक्स्ट स्टेप इज रियली इम्पॉर्टेंट, यू हैव टू लेट इट अब्सॉर्ब कम्प्लीटली। यस, आप एटलीस्ट आधा घंटे तक अब वेट कीजिए कोई भी प्राइमर या कुछ भी लगाने से पहले, क्योंकि आपकी जो मॉइस्चराइजर है वो उसे अब्सॉर्ब होने में थोड़ी टाइम लगती है। और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो मॉइस्चराइजर क्या होता है, आपके जो स्किन के टॉप लेयर है वहाँ पे स्टक हो जाएगी और उसके ऊपर अगर आप फाउंडेशन लगाओगे तो फाउंडेशन जो है वो स्लिप हो जाएगा, आपके चेहरे पे टिकेगा नहीं। और मॉइस्चराइजर एब्जॉर्ब होने के बाद आपको आपकी जो स्किन है उसके बहुत एक डीपर लेयर से आपको स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो मॉइस्चराइजर पेनिट्रेट होना आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना बस आपके जो सरफेस है ये वाला वो मॉइस्चराइज्ड दिखेगी बट जो इनर पार्ट है वो मॉइस्चराइज्ड नहीं होगी, ये ड्राई ही रहेगी। तो हम वो नहीं चाहते हैं। मॉइस्चराइजर को लगाने के बाद 30 मिनट्स, आधा घंटे तक अब वेट कीजिए फाउंडेशन या कुछ भी लगाने से पहले। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो मैंने आधा घंटे पहले मॉइस्चराइजर लगा ली थी और ये मॉइस्चराइजर अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो चुकी है। तो अब मैं क्या करूँगी, प्राइमर लगाऊंगी। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये वेट एंड वाइल्ड का वाटर ड्रॉप प्राइमर। तो आप अपने स्किन के हिसाब से प्राइमर चूज़ कीजिए, कैसे चूज़ करना है वो मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, वो आप फॉलो कीजिए। तो प्राइमर मैंने ले ली है, और प्राइमर लगाने का भी एक तरीका होता है जो कि बहुत बार होते हैं कि हम लोग वो तरीका फॉलो नहीं करते हैं। तो ऐसे प्राइमर ले लीजिए, स्किन पे ऐसे लगा लीजिए और जो है ऐसे पैक्ड करके लगाइए, नेवर डू लाइक दिस। ओके, ऐसे पैक करके प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ऐसे आप प्राइमर को पूरी फेस में पैट करके लगाइए, ऐसे डैप करके, जो भी आप कहते हैं।
पर डू नॉट रब इट, ओके। तो और बहुत ज़्यादा प्राइमर हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, प्राइमर बहुत ही कम क्वांटिटी पे लीजिए। अगर बहुत ज़्यादा प्राइमर आप लगाओगे तो वो आपके स्किन के स्किन से ब्लेंड नहीं होगा, स्किन पे अब्सॉर्ब नहीं होगा और आपके फाउंडेशन जो है वो अगेन स्लिप कर जाएगा। तो बहुत ही कम क्वांटिटी पे प्राइमर लीजिए और ऐसे प्रेस करके आपके स्किन पे आप लगा लीजिए। तो प्राइमर हमने लगा लिया, तो प्राइमर लगाने के बाद जो सेकेंड गलती हम करते हैं वो ये है कि प्राइमर लगाने के बाद तुरंत ही हम फाउंडेशन लगा लेते हैं। नहीं, आपके मॉइस्चराइजर की तरह आपका प्राइमर को भी अब्सॉर्ब होना ज़रूरी है। सो लेट इट गेट अब्सॉर्ब कम्प्लीटली ताकि प्राइमर जो है आपकी स्किन को प्रिपेयर कर सके नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो प्राइमर लगाने के बाद कुछ प्राइमर्स कहते हैं कि 2 मिनट्स और 1 मिनट्स और 30 मिनट्स तक आप वेट कर सकते हैं, बट मैं पर्सनली करती हूँ प्राइमर लगाने के बाद मैं 5 मिनट तक वेट करती हूँ। यस, दैट्स दिस इज व्हाट आई डू। एंड मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी कि प्राइमर लगाने के बाद एटलीस्ट 5 मिनट तक आप वेट कीजिए कुछ भी लगाने से पहले। ये स्टेप बहुत ही ज़रूरी है और अगर आप ये करोगे तो आई एम श्योर आपके जो फाउंडेशन रूटीन है उसमें एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। सो प्राइमर हमारा सेट हो चुकी है। अब मेरी बहुत सारे फ्रेंड्स ने मुझसे पूछी थी कि फाउंडेशन लगाने के बाद जो है उसके फाउंडेशन जो है वो डार्क हो जाती है, तो काला दिखने लगती है। तो इसका एक कारण हो सकते हैं कि वो फाउंडेशन ऑक्सीडाइज होता है, जो कि आपको ध्यान में रख के खरीदना चाहिए। और एक बात है कि आपके बहुत सारे पिगमेंटेशंस हैं, जैसे कि मेरे आप देख सकते हो मेरे जो अंडर आई डार्क सर्कल्स बहुत ज़्यादा डार्क है ब्राउन कलर के, मेरे जो यहाँ पे पिगमेंटेशन है। तो अगर मैं एक फुल कवरेज फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ तो ठीक है, और अगर मैं एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन अप्लाई करती हूँ, मीडियम टू हाई कवरेज, तो मुझे लगता है अगर मैं कलर करेक्शन और कोई भी कलर करेक्टर यूज़ ना करूँ तो वो अच्छी नहीं दिखती। तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करूँगी कि आप कोई भी पार्टी मेकअप कर रहे हो तो उसके पहले कलर करेक्टर ज़रूर यूज़ कीजिए। तो मेरे जो फेवरेट कलर करेक्टर्स हैं वो है ये दो, एलेगल प्रो कंसिल का ये जो है ऑरेंज करेक्टर है और ये है येलो करेक्टर। आप मेरे वीडियो में देखे होंगे कि मैं ये बहुत यूज़ करती हूँ। तो देर इज़ अ रीज़न व्हाई आई यूज टू ऑफ देम इंस्टेड ऑफ जस्ट वन। तो ये जो ऑरेंज करेक्टर है वो मेरे स्किन टोन के हिसाब से बहुत डार्क है। मेरी स्किन टोन जो है NC35 इन मैक स्टूडियो फिक्स और मैं पैक एज लिक्विड फाउंडेशन में 2.3 वाला शेड यूज़ करती हूँ। तो अगर आप मेरे स्किन टोन के हैं तो मुझे लगता है कि ये जो कलर करेक्टर है वो आपके लिए भी बहुत डार्क रहेगा। तो मैं दोनों शेड जो है वो इक्वल क्वांटिटी पे मिक्स करती हूँ ताकि मुझे एक पीची काइंड ऑफ अ शेड मिले। ये दोनों ख़त्म होने के बाद मैं पीच कलर करेक्टर ही खरीदने वाली हूँ। और तक वो जो डार्क ऑरेंज कलर है वो थोड़ा सा म्यूटेड हो जाए, इसलिए मैं ये दोनों जो कलर करेक्टर है वो मिक्स करती हूँ। और देयर इज अनदर रीजन व्हाई आई लाइक दिस जो ऐसे लेकर आप देख सकते हो मैंने जो इक्वल क्वांटिटी में मैंने ली है और मैं ऐसे अपने बैक ऑफ द हैंड पे ऐसे इसे मिक्स कर ली है। तो मैं इसे अपने अंडर आईज पे ऐसे डैप डैप करके मैं अप्लाई कर लूंगी ऐसे, और जहां पे भी मुझे लगता है मेरा स्किन अनइवन स्किन टोन है, मेरा स्किन थोड़ा काली दिख रही है, मैं वहां पे ये इसे अप्लाई कर लूंगी ऐसे। और कुछ एक्ने स्पॉट्स मेरे यहाँ पे हैं तो उन्हें भी मैं कवर कर लूंगी, स्टैंड आउट कर लूंगी। नाउ देयर इज अनदर थिंग,
आप जब भी कोई भी स्पंज आप यूज कर रहे हो तो आप डैम्प यूज करो, इसे आप सूखा हुआ ड्राई स्पंज मत यूज करो। डैम्प ब्यूटी स्पंज का मतलब है आप रनिंग वाटर के नीचे इस स्पंज को ऐसे पकड़िए और ऐसे ऐसे से स्क्वीज कीजिए, इससे क्या होता है जो पानी है वो स्पंज के अंदर चला जाएगा और स्पंज टोटली डैम्प हो जाएगा। और मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे रनिंग वाटर के नीचे इसे ऐसे पकड़ती हूँ और ऐसे ऐसे करके अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20 seconds ऐसे ऐसे करके पूरा पानी जब इसके अंदर चला जाता है तो मैं पूरा जो पानी है ऐसे स्क्वीज कर लेती हूँ, एक और दो बार मैं स्क्वीज कर लेती हूँ। फिर मैं एक सूखा हुआ एक ड्राई टॉवल लेती हूँ, टॉवल में ऐसे स्पंज को देखे टॉवल में ऐसे करके फिर से मैं स्क्वीज कर लेती हूँ और मेरे जो स्पंज है वो रेडी हो जाती है। तो ऐसे मैं इसके छोटी सी इसके साथ भी मैंने वैसे ही किया है और मैं अब फाउंडेशन सॉरी कलर करेक्टर का ऐसे ब्लेंड करूँगी। तो जब भी आप अंडर आई पे कुछ भी लगा रहे हैं तो आप ऊपर देख के उसे ऐसे ब्लेंड कीजिए। अब ब्लेंड करने का भी एक तरीका होता है, डू नॉट रब इट। मैंने देखी है ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, फाउंडेशन और कुछ भी लगाते हैं और ऐसे करते हैं ऐसे। नो वी डोंट नीड दैट, वी वांट टू पुश फाउंडेशन को ऐसे स्किन पे पुश करना है। ओके, हमको ऐसे रब करके हटाना नहीं है। पुश करने का मतलब ये भी नहीं है कि आप बहुत जोर से ऐसे ऐसे करके करो, बहुत ही अच्छे से जेंटल वे से ऐसे बहुत ही जेंटल तरीके से आप ऐसे डैप करके इसे ब्लेंड करो, बहुत ज्यादा जोर ऐसे मत डालो। ओके, तो और एक चीज है इस दो कलर करेक्टर्स में जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, तो अगर आप कोई भी ऐसे क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट आपके फाउंडेशन के जो नीचे है वो आप यूज कर रहे हो तो देयर इज अ हाई चांस कि आपके फाउंडेशन जो है वो आपके कलर करेक्टर से मिक्स्ड हो जाती है, हो सकती है। और आपको कभी कभी इसे एक लूज पाउडर की मदद से सेट करना पड़ता है। अगर आपके ड्राई स्किन है तो आपके फाउंडेशन, आप इमेजिन कीजिए आपकी जो एक फाउंडेशन है वो लिक्विड है और उसके अंदर एक पाउडर बेस्ड और एक लूज पाउडर है, तो अगर उस लूज पाउडर के ऊपर आप फाउंडेशन अप्लाई करोगे तो आपके जो अगर ड्राई स्किन है तो आपके फाउंडेशन बहुत ज़्यादा केकी बन सकती है। और अगर आप इस बात में एक्सपर्ट ना हो तो नो मैटर व्हाट यू डू योर फाउंडेशन विल बिकम केकी। ओके, तो और अगर आप सेट नहीं करोगे तो वो आपके जो फाउंडेशन है उसके साथ मिक्स्ड हो सकती है। पर अगर आप ये वाला कलर करेक्टर यूज करोगे, येले कलर वाला, ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाती है, ड्राई हो जाती है। तो ये इंश्योर करता है कि आपके जो फाउंडेशन है उसके साथ ये मिक्स्ड नहीं होगा। तो दैट इज रियली अ ह्यूज थिंग अबाउट दीज टू कलर करेक्टर्स, दैट्स व्हाई आई लव देम सो मच एंड आई ऑलवेज ट्राई टू यूज देम इन माई फाउंडेशन रेजिम। तो ये कलर करेक्टर्स जो है वो ब्लेंड हो चुकी है। अब जो नेक्स्ट मिस्टेक आप करते हो कलर करेक्टर्स लगाने के तुरंत ही बाद आप फाउंडेशन लगा लेते हो, नहीं, यहाँ पे भी आपको वेट करनी है। एक अच्छी फ्लॉलेस फाउंडेशन बेस के लिए ये जो इंटरवल है एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक जाने की जो ये गैप होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो आप काम कीजिए, फाउंडेशन लगाने से पहले अपने कलर करेक्टर लगा ली है तो आप 2 मिनट तक वेट करो ताकि ये जो कलर करेक्टर है वो आपके स्किन के साथ सेट हो जाए, फिर आप एक फाउंडेशन लगाओ। अगर आप ये करोगे तो आपके फाउंडेशन स्मूथली अप्लाई होगा, कलर करेक्टर मूव नहीं होगा, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि आप कलर करेक्टर लगाने के बाद तुरंत ही अगर आप फाउंडेशन लगाते हो तो कलर करेक्टर इधर उधर चला जाता है, फाउंडेशन के साथ मिक्स्ड हो जाता है। तो कलर करेक्टर लगाने के बाद आप वेट करो एटलीस्ट 2 मिनट्स। ओके, सो या आई विल सी यू इन 2 मिनट्स। 2 मिनट हो चुकी है, अब मैं फाउंडेशन अप्लाई करने वाली हूँ। तो मार्केट में बहुत सारे फाउंडेशन अवेलेबल है, कुछ क्रीम बेस्ड है, पैन स्टिक है, पैन केक है, कुशन फाउंडेशन है, स्टिक फाउंडेशन है,
तो अगर आप एक बिगिनर हो तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप एक लिक्विड फाउंडेशन यूज करो। अगर आप लिक्विड फाउंडेशन यूज करोगे तो वो इट्स रियली इजी टू वर्क विथ। वो आपके जो ब्लेंड करने बहुत अच्छी तरह से वो ब्लेंड होगा और आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आप अगर आप बिगिनर है तो ऑफकोर्स आप एक लिक्विड फाउंडेशन चूज करो अपने लिए। तो आज मैं अपनी फाउंडेशन के लिए यूज़ करने वाली हूँ ये लोरियल का 24 आवर इनफॉलेबल फाउंडेशन, जिसमें मेरा शेड है 140 गोल्डन बेज। और लिक्विड फाउंडेशन जब आप यूज़ कर रहे हो तो लिक्विड फाउंडेशन को यूज़ करने से पहले ऐसे शेक कर लीजिए। इससे क्या होगा, इंग्रेडिएंट्स जो है वो मिक्स्ड हो जाएगा प्रॉपर तरीके से। तो अब मैं अपनी यहाँ पे ऐसे फाउंडेशन ले लूँगी और जो मुझे पसंद है मैं ऐसे फाउंडेशन को पहले डॉट करके अप्लाई करती हूँ। इससे जो ब्लेंडिंग है वो इजी हो जाती है लाइक दिस। और एक जो डैम्प ब्यूटी स्पंज है उससे मैं ऐसे फाउंडेशन को बहुत लाइट प्रेशर से ऐसे ब्लेंड करती हूँ ऐसे। तो अगर आप एक बिगिनर है मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप स्पंज यूज कीजिए ब्रश के बदले, क्योंकि स्पंज अगर आप यूज करोगे तो फाउंडेशन या कंसीलर जो भी है ब्लेंड करना आपके लिए बहुत इजी रहेगा। ब्रश अगर आप सही तरीके से यूज नहीं करोगे तो फाउंडेशन अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं होगी, आपको ब्रिसल मार्क्स नजर आएंगे। तो देखिए फाउंडेशन पूरी तरह से ब्लेंड हो चुकी है। तो या ऑलवेज ट्राई टू यूज अ स्पंज इंस्टेड ऑफ अ ब्रश इफ यू आर अ बिगिनर। तो आजकल बहुत सारे अफोर्डेबल स्पंज मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें से आप ये स्पंज खरीद सकते हो। ये पूना स्टोर का है, बहुत ही अच्छा स्पंज है एंड आई हैव बीन यूजिंग इट सिंस व्हेन आई वाज अ बिगिनर। सो दिस वाज अ रियली ग्रेट स्पंज। और मेरी और एक ये स्पंज जो है ये रियल नो ये लोरियल का है, बहुत ही अच्छा स्पंज है अगेन। और मेरे और एक पसंद का स्पंज है रियल टेक्निक्स का, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। सो या देर आर सो मेनी स्पंजेस आउट देयर। सो मेरी फाउंडेशन ब्लेंड हो चुकी है। अगर आप इन केस आप ब्रश यूज करना चाहते हैं तो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप ब्रश कैसे यूज करोगे फाउंडेशन को ब्लेंड करने के लिए। ये पूना स्टोर का ब्रश है, ये एक 10 ब्रश सेट के एक जो किट होती है उसमें आती है, बहुत ही अच्छा है गाइस। अगर आप बिगिनर हो, अगर आप कोई अफोर्डेबल ब्रश लेना चाहते हो तो ये ब्रशेस आपको जरूर ट्राई करना चाहिए, ये बहुत ही अच्छा होता है। और अगर आप कोई बंडल नहीं कर खरीदना चाहते हो, बस एक सेपरेट ब्रश खरीदना चाहते हो तो ये ट्राई कर सकते हो, ये रियल टेक्निक्स का है, बहुत अच्छा ब्रश है। तो ऐसे फाउंडेशन लगाने के बाद डॉट डॉट करके आप क्या करोगे, ऐसे ऐसे करके फाउंडेशन को आप स्प्रेड करोगे। डू नॉट स्वाइप इट, डू नॉट डू लाइक दिस काइंड ऑफ थिंग, जस्ट पुश इट जेंटली। आप अपने स्पंज के साथ जैसे आप स्पंज यूज कर रहे थे ऐसे ऐसे करके, वैसे ही आप आपके ब्रश को भी ऐसे यूज करो। और ऐसे अगर ब्रश को आप यूज करोगे तो आपको ब्रिसल मार्क्स नहीं मिलेगा और जो कलर करेक्टर है वो मूव नहीं होगा। ऐसे बहुत बार आप सुनते हैं कि अगर कलर करेक्टर यूज करने के बाद आप ब्रश यूज करोगे तो कलर करेक्टर मूव हो सकती है। हाँ वो हो सकती है, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये वो नहीं होगा, पर अगर आप ऐसे करके ब्लेंड करोगे और अच्छे से ब्लेंड करोगे तो वो मूव नहीं होगा। तो देखिए ये भी ब्लेंड हो चुकी है और इस साइड भी ब्लेंड हो चुकी है। और एक चीज, फाउंडेशन को आपके जो नेक एरिया है वहां पे भी लगाना बहुत ही जरूरी है, वरना ये एक मास्क की तरह दिखेगा। और स्पेशली इफ यू हैव डार्क नेक, लाइक आई हैव डार्क नेक एज आई हैव सेड बिफोर, माई नेक इज अ बिट डार्कर देन माई फेस। अगेन हेल्थ इश्यूज कैन नॉट हेल्प इट। सो सेम तरीके से आप अपने नेक पे भी ऐसे फाउंडेशन को ब्लेंड कर लीजिए।
जो मेरी फाउंडेशन है वो ब्लेंड हो चुकी है और आपने देखा ये बहुत ही अच्छी तरह से ब्लेंड हो गई है। आप देख सकते हो कोई भी केकीनेस, कोई भी पैचीनेस कुछ भी नहीं है। तो अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ कंसीलर। ना अब अगर आप कंसीलर यूज़ कर रहे हो तो ध्यान में रखिए, मार्केट में दो तरीके के कंसीलर आपको मिलेंगे। एक हाइलाइटिंग कंसीलर है, ये क्या करेगा आपकी जो अंडर आई डार्क सर्कल और दाग धब्बे जो भी है उसे अंडर आई एरिया पे और जहाँ पे आप हाईलाइट करना चाहते हो उस एरिया को ब्राइट बना देगा। और अगर आप हाइलाइटिंग कंसीलर नहीं चाहते हैं और अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ सब कुछ कवर करे तो आप एक कंसीलर खरीदिए जो कि बिल्कुल आपके फाउंडेशन शेड के साथ मैच करता हो, आपके स्किन टोन के साथ मैच करता हो। तो और आप क्या कर सकते हैं, आप उसी फाउंडेशन को ऐसे लेके जो भी एरियाज को आपको कवर करना है, जैसे मेरे लिए मेरी अंडर आईज, तो आप पे ऐसे लगा के फिर से ऐसे डैप डैप करके आप ब्लेंड कर लीजिए। तो आपने देखा ये ऑलमोस्ट कवर कर लिया, तो ये जो है मेरी डार्क सर्कल्स कवर हो चुकी है आपने देखा। अगर आप हाईलाइट करना चाहते हो तो आप एक या दो शेड लाइट एक कंसीलर आप यूज करो, पर अगर आप सिर्फ कवर करना चाहते हो तो आपके जो फाउंडेशन है उसी का सेम शेड कंसीलर आप यूज करो। और आपने देखा मैंने तो सिर्फ फाउंडेशन ही यूज की और सब कुछ कवर हो चुकी है। और अगर आपको लगे कि कुछ एरियाज में आपको ज्यादा कवरेज चाहिए तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, सिर्फ एक डॉट ऐसे लगाओ। जैसे यहाँ पे एक एक्ने स्कार मेरी थी तो मैंने वहां पे लगाई है और अगेन मैं सेम तरीके से ऐसे डैप डैप करके मैं ब्लेंड करूंगी और ये कवर हो चुका। तो आपने देखा कि एक फ्लॉलेस बेस अचीव करना कितना आसान होती है। और अब वारी आती है पाउडर की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर आपके पाउडर आप सही तरीके से नहीं लगाओगे और सही पाउडर आप चूज नहीं करोगे तो वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। आप कुछ भी स्टेप फॉलो कर लो, कुछ भी कर लो, आपके जो फाउंडेशन है वो अच्छी नहीं दिखेगी, आपकी जो मेकअप है वो अच्छी नहीं दिखेगी अगर आप एक अच्छी सी पाउडर जिसके जो शेड होता है वो ठीक ठाक है ऐसे पाउडर अगर आप यूज़ नहीं करोगे। तो आप पाउडर के लिए एक लूज पाउडर भी यूज़ कर सकते हो और एक कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज़ कर सकते हो जो कि आपको सही लगे। पर आपको अपनी बेस को सेट करना बहुत ही ज़रूरी है। मैंने कई बार देखा है कहीं सारे लोग आपको कहते हैं कि मैं तो सिर्फ अपनी टी जोन और अपने अंडर आईज को सेट करती हूँ, बाकी फेस को मैं सेट नहीं करती हूँ। लेट मी टेल यू वन थिंग, वो बस अगर आप मेकअप बस 2 या 3 घंटे के लिए लगाना चाहते हो या तो ठीक है, पर अगर आप एक लॉन्ग लास्टिंग बेस चाहते हो नो मैटर व्हाट, आपको आपका जो फाउंडेशन है आपका जो बेस है पूरा फेस को आपको सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगी कि सिर्फ टी जोन या अंडर आईज को आप सेट कर लो और आप बस घर से निकल जाओ। अगर आपको फाउंडेशन लॉन्ग लास्टिंग बनानी है तो आपको पाउडर से सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, अगर आपका ड्राई स्किन है, मेरी भी ड्राई स्किन है, तो अगर आपको लगता है कि आपका फाउंडेशन जो है वो केकी दिखेगा, वो फट जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। अगर आप बहुत कम क्वांटिटी पे पाउडर लेके आपके पूरी फेस जो है उसे सेट करोगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। और हाँ, अगर आप एक हाइलाइटेड इफेक्ट चाहते हैं तो अपने अंडर आईज के लिए कोई बनाना पाउडर या कोई भी हाइलाइटिंग पाउडर यूज कीजिए और पूरी जो आपकी जो फेस है उसे सेट करने के लिए आप उसी पाउडर का यूज कीजिए जो कि आपके फाउंडेशन और आपके कंसीलर के साथ मैच करता है। अगर आपके फाउंडेशन जिस शेड में है आपका कॉम्पैक्ट और आपका लूज पाउडर वो भी सिमिलर होना चाहिए,
ये अनदर रीजन है कि आपके फाउंडेशन जो है वो कुछ देर बाद डार्क लगने लगती है, क्योंकि आपके जो फाउंडेशन का शेड और आपके पाउडर का जो शेड है वो मैच नहीं कर रहे हैं, और ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपके फाउंडेशन कुछ देर के बाद डार्क लगने लगती है। मैं आपको रिकमेंड करूंगी ये भारत एंड डॉरीज का लूज पाउडर, जो कि बहुत ही अच्छा लूज पाउडर है, और ये रिमेल लंदन का जो कॉम्पैक्ट पाउडर है ये भी बहुत अच्छे हैं, और जो नायका का कॉम्पैक्ट पाउडर आता है वो भी बहुत अच्छा होता है। वो मेरी ख़त्म हो चुकी है, मैं आपको वो नहीं दिखा सकती। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी अंडर आईज़ और मेरी जो स्माइल लाइंस है उसे सेट करने के लिए मैं अपनी जो डैम्प स्पंज है उसे मैं यूज़ करने वाली हूँ। मैं इतनी देर तक बक बक कर रही हूँ तो इसका मतलब है मेरी जो अंडर आईज वो क्रीज हो चुकी है। तो अगर मैं इसके ऊपर ही पाउडर अप्लाई करूँगी तो वो अच्छी नहीं दिखेगी, वो क्रीजेस को हटाना ज़रूरी हो है, इसलिए मैं पहले ऐसे डब डब करके जो क्रीजेस हो चुकी है उसे मैं हटा रही हूँ। और अब इसी स्पंज में थोड़ी सी मैंने पाउडर ऐसे ली है और ऐसे ऊपर देख के मैं ऐसे डैप डैप करके जो है मेरी अंडर आईज को ऐसे मैं सेट कर लूंगी। तो ये जो मेरी अंडर आई है वो सेट हो चुकी है। आप इस आई और इस आई के बीच में आप जो है आप डिफरेंस देख सकते हो। तो मैं क्विकली इस अंडर आई को भी सेट कर लूंगी और फिर मैं वापस आती हूँ। तो अब पूरी फेस को मैं सेट करने वाली हूँ। इसके लिए आप ऐसे एक पाउडर पफ ले सकते हो और बस थोड़ा सा पाउडर आप ऐसे लो, एक्सेस जो प्रोडक्ट है उसे ऐसे करके डस्ट आउट अप कर दो। तो ऐसे लेके आप पाउडर को ऐसे प्रेस करो, नेवर ड्रैग इट और रब इट, जस्ट ऐसे प्रेस करो। तो इससे क्या होगा, जो पाउडर है वो आप अपनी आपके जो स्किन है वहां पे आप पुश कर रहे हो, और ये जो है आपको आपकी जो मेकअप है उसे लॉक कर देता है। ये हो चुका। और अगर आप ब्रश यूज करना चाहते हो तो ऐसे फ्लैट टॉप पाउडर ब्रश आप यूज कर सकते हो, पैक कॉस्मेटिक्स का है एक बहुत अच्छा पाउडर ब्रश। तो ऐसे ब्रशेस आपको मार्केट में मिल जाएंगे, कबूकी ब्रश। तो आप ऐसे ब्रश यूज करो, अगेन पाउडर लो, जो एक्सेस पाउडर है उसे डस्ट आउट कर लो, और सेम तरीके से ऐसे करके आप अपने बेस को सेट कर लो। डू नॉट ड्रैग इट और डू नॉट रब इट, डू नॉट डू दिस काइंड ऑफ थिंग। सो जस्ट ऐसे ऐसे डैप डैप करके आप प्रेस करो, ऐसे ब्रश को या स्पंज को मत घिसो अपनी स्किन पे, ठीक है ना। तो ये मेरी जो बेस मेकअप है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है, आप देख सकते हो। तो आपने देखा कैसे बहुत ही इजी तरीके से मैंने अपनी जो बेस है उसे कंप्लीट कर ली है, और आप देख सकते हो ये बहुत ही फ्लॉलेस दिख रही है। और अगर आप देखोगे तो आपको कुछ भी दाग धब्बे या कुछ भी नज़र नहीं आएंगे। तो मैंने अपनी बेस कंप्लीट कर ली है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ सीक्रेट, जो कि इस वीडियो के पहले ही मैंने आपसे शेयर की हुई थी कि आप लोग अगर कुछ यूट्यूबर्स का फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि फाउंडेशन लगाने के बाद ही उनके जो स्किन होते हैं वो बिल्कुल पोर्सलिन डॉल की तरह हो जाते हैं, मार्बल फ्लोर की तरह बिल्कुल स्मूथ हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो आपने ऐसे देखा होगा। फिर आपने वो प्रोसीजर जो है वो अपने फेस में ट्राई की है, और फिर क्या होता है, आपको डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलती। आपको लगता है कि मैंने वो सारे चीज़ें फॉलो कर ली है फिर भी मेरा स्किन इतनी फ्लॉलेस नहीं दिख रही है, और आप जस्ट आपके कॉन्फिडेंस जो है वो आप खो देते हो, और आप ऐसा सोचने लगते हो कि नहीं मेकअप मेरे लिए नहीं है, आई जस्ट गिव अप।
ऐसा अगर आप करते हो, ऐसा मैंने भी की थी जो जब मैं एक बिगिनर थी और मैं कुछ यूट्यूबर्स को मैं फॉलो करती थी, तब मैंने ये चीज़ें की थी। और जो सीक्रेट मैं आपसे बताने वाली हूँ तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इस जो एक गलत फैमिली है, गलत फहमी दूर करने में। तो क्या होता है, आजकल बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आ गए हैं मार्केट में। मैं सभी यूट्यूबर के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर जो मैंने ऑब्जर्व की है, तो एक फिल्टर होते हैं। तो अगर आप मेरी जो पहला वेरी फर्स्ट और सेकेंड मेकअप ट्यूटोरियल है, अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप उस लिंक पे आप क्लिक करो और वो वीडियो आप देखो। अगर उसमें आप मेरी स्किन आपको अगर दिखेगी, कुछ भी टेक्सचर नहीं है, स्किन बिल्कुल फ्लॉलेस है, बहुत ज़्यादा स्मूथ है। ऐसा क्यों होता है? तो आजकल बहुत सारे ऐसे फिल्टर्स मिलते हैं जो आप अगर अपने कैमरा पे ऐसे लगाओगे तो क्या करता है, वो ऐसे एक स्मूथनिंग इफेक्ट क्रिएट करता है। तो अगर आप फोटो ले रहे हो और अगर आप वो एडिट करते हो, वहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिया जाता है स्मूथ। तो अगर आप स्मूथनिंग इफेक्ट आप देते हो तो आपको पता चलता है कि वो आपका जो टेक्सचर है, दाग धब्बे है, वो स्मूथ हो जाता है। तो वो आप उस फिल्टर को आप आपके कैमरे पे भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और आप पोस्ट प्रोडक्शन यानी कि आप जब वीडियो एडिट करते हो तो आप बहुत सारे सॉफ्टवेयर है जो पेड सॉफ्टवेयर है, थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है, वो सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ करोगे तो उसमें भी वो जो सुविधा है, वो जो फीचर है वो होती है। उस सॉफ्टवेयर के मदद से भी आप अपनी स्किन को स्मूथ बना सकते हो अगर आप बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करोगे। अगर आप अपने जो मोबाइल फ़ोन है उसमें आप वीडियो देख रहे हो तो शायद ये आपको पता नहीं चलेगा, पर अगर आप एक कंप्यूटर या लैपटॉप या बड़ी कोई स्क्रीन पे आप देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा कि किसने फिल्टर्स यूज़ की है और किसने नहीं। तो पोस्ट प्रोडक्शन के बाद अगर आप उनके जो स्किन है उसे देखोगे, ऐसे दिखते कि लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होती है, कुछ भी टेक्सचर नहीं है। तो कुछ कुछ कैमरा होती है उस कैमरे में पहले से फिल्टर लगाई हुई है, जो कि मैंने मेरी जो फर्स्ट टू वीडियोस है वो मैंने एक बहुत ही बेसिक कैमरा में मैंने शूट किए, तब मेरे पास DSLR नहीं था मेरे पास। तो कुछ कैमराज ही ऐसे होते हैं जिसमें वो जो फिल्टर है वो पहले से ही होती है, और कुछ यूट्यूबर्स है जो वो जो फिल्टर है वो लगाती है कैमरे में, और पोस्ट प्रोडक्शन के बाद यानी कि जब एडिट वो करते हैं तो वो फिल्टर लगा देती है एडिटिंग सॉफ्टवेयर में, जिससे कि उनकी जो स्क्रीन है वो पिक्चर परफेक्ट दिखती है। अगर उस यूट्यूबर के बारे में अगर आप उस यूट्यूबर को देख रहे हो तो उसके जो रिसेंट वीडियोज़ है वो देखो, और एक या डेढ़ साल पहले की जो उनकी जो वीडियोज़ होती है वो देखो। अगर आप दोनों वीडियो देखोगे, दोनों को साइड बाय साइड आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि जो फिल्टर है, फिल्टर यूज़ करती है या नहीं। क्योंकि हमारे जो स्किन होते हैं, स्किन के जो नॉर्मल टेक्सचर सभी के होते हैं, लाइक मेरे भी है, हमारे नॉर्मल स्किन टेक्सचर। अगर आप अपने जो हाथ है, हाथ को अगर आप ऐसे आप दिखोगे तो यहाँ पे जो टेक्सचर्स है ये आपको पता चलेगा कि ये जो टेक्सचर है वो हम सभी के होते हैं, इस टेक्सचर को आप गायब नहीं कर सकते हो। तो हाँ, अगर आप ऐसी कोई फाउंडेशन यूज करोगे जो टेक्सचर को बढ़ाता नहीं है, एम्फसाइज नहीं करता है, तो ठीक है। पर अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि एक फाउंडेशन लगाने के बाद आपका स्किन जो है टेक्सचर चला जाएगा, आपका स्किन जो है एक मार्बल फ्लोर की तरह दिखेगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। टेक्सचर जो है वो वहीं के वहीं रहेगा, टेक्सचर को आप फाउंडेशन लगाने के बाद वैनिश नहीं कर सकते हो। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फिल्टर लगाना कोई बुरी बात है, क्योंकि इट्स पर्सनल प्रेफरेंस।
And we all want to look like picture perfect. We all want to have that picture perfect skin, जो कि बिल्कुल बुरी बात नहीं है. इसलिए हम picture edit करते हैं, मैं भी करती हूँ. तो picture जो है skin को अच्छे दिखाना ये बुरी बात नहीं है. अगेन मैं सभी यूट्यूबर के बारे में मैं बात नहीं कर रही हूँ, कीप दैट थिंग इन माइंड. कुछ कुछ यूट्यूबर के बारे में मैं बात कर रही हूँ जो कि मैंने ऑब्जर्व की है पर्सनली. तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी पर्टिकुलर यूट्यूबर को फॉलो करते हो तो अगर आपकी स्किन वैसे नहीं दिखती है तो आप डिसअपॉइंटेड मत होइए. अगर आप कॉन्फिडेंस लूज मत कीजिए तो आप किसी और दूसरे यूट्यूबर को आप फॉलो करो और देखो कि उनके स्किन कैसे दिखते हैं. देर इज़ एन यूट्यूबर जूसी जैस जो कि एक US बेस्ड यूट्यूबर है. तो उनके स्किन जो है कैमरा में बहुत फ्लॉलेस दिखती है और मैं उन्हें फॉलो करती हूँ. मैं देखती थी कि अरे यार इनके स्किन फाउंडेशन लगाने के बाद ही ऐसे फ्लॉलेस क्यों दिखने लगती है. तो हालांकि वो कोई फिल्टर यूज़ नहीं कर सकती है. और एक बात, लाइटनिंग ज़्यादातर यूट्यूबर्स जो है वो स्टूडियो लाइट में शूट करते हैं, मैं भी करती हूँ. और मैं जो स्टूडियो लाइट्स यूज़ करती हूँ बहुत ही बेसिक स्टूडियो लाइट्स हैं. और कुछ एक्सपेंसिव स्टूडियो लाइट्स हैं जो अगर आप यूज़ करोगे तो वो उसकी जो लाइट है वो आपको स्किन आपकी जो स्किन है उसे परफेक्ट बना देती है. तो ये भी एक रीज़न हो सकती है. तो हाँ, जूसी जैज उन्होंने हाल ही में एक बेज कॉस्मेटिक्स को लेकर वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल की थी. उस मेकअप ट्यूटोरियल पे उन्होंने जूम करके अपनी स्किन को दिखाई थी. आई वाज लाइक अरे मेरी स्किन भी तो ऐसी ही दिखती है मेकअप करने के बाद. तो आप समझ रहे हैं ना मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ. तो देयर आर सम यूट्यूबर्स आई थिंक के वो फिल्टर्स नहीं लगाते हैं. आप उसे फॉलो कर सकते हो. एक है आई थिंक श्रेया जैन, शी डज नॉट यूज एनी फिल्टर. रितिका आमरू, शी डज नॉट यूज एनी फिल्टर. आप उनके जो यूट्यूब वीडियोज है आप देख सकते हो. और एक यूट्यूबर है जिसे मैं फॉलो करती हूँ, हेली व्यास. यूट्यूब में एक चैनल है ग्लैमर्स, GLAMRS ग्लैमर्स. तो वहाँ पे वो वीडियो बनाती है. उनके एक वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. तो मैं वो एक बहुत ही फेमस मेकअप आर्टिस्ट है. और एक चीज़ उनके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ. जब कैमरा जब जूम करते हैं तो अगर आपके उनके स्किन आप देखोगे ना तो उनके जो इम्परफेक्शंस है, इम्परफेक्शंस इन द सेंस जो टेक्स्चर है, नॉर्मल स्किन टेक्स्चर जो है वो आपको दिखेगी. तो मेकअप एक्चुअली इन रियल लाइफ ऐसे ही दिखती है. मेकअप लगाने के बाद आपकी स्किन जो है पोर्सलिन डॉल की तरह नहीं हो जाती. आपकी जो स्किन के टेक्सचर है स्मूथ नहीं होती है. मेकअप करके आप अपने दाग धब्बे को आप छुपा सकते हो, पर आपके जो नॉर्मल जो स्किन टेक्सचर है उसे आप वैनिश नहीं कर सकते हो. तो आप देखोगे जो फिल्टर्स डालते हैं अपनी वीडियोज़ में, जब वो ऐसे करके प्रोडक्ट अप्लाई करते हैं उसकी जो हैंड्स की जो स्किन है, जो टेक्सचर है, हम सभी के होते हैं, एटलीस्ट मेरी तो है, तो उनके जो हैंड्स भी स्मूथ हो जाती है. हैंड्स में तो उन्होंने कोई मेकअप नहीं लगाई हुई है, तो उनके हैंड्स कैसे स्मूथ हो सकते हैं. तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बात कर रही हूँ. तो आप डिसअपॉइंटेड मत होजिए, कॉन्फिडेंस रखिए और आप जो स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं प्रैक्टिस कीजिए. आपका स्किन भी बहुत अच्छी दिखेगी. डिफरेंट टेक्निक्स आप फॉलो कीजिए. किसी पर्टिकुलर यूट्यूबर का जो टेक्निक्स है वो फॉलो कीजिए. तो आप ऐसा एक्सपेक्टेशन मत रखिए कि आपकी जो स्किन है वो बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी. ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे सभी के स्किन पे जो नेचुरल स्किन टेक्सचर है वो रहती है. और अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा टेक्सचर है तो उसे मिनिमाइज करने का भी तरीका होता है. आप एक्सफोलिएट कीजिए, आप फेशियल ऑयल यूज़ कीजिए. फेशियल ऑयल यूज़ करने से आपके जो टेक्सचर है वो मिनिमाइज हो जाता है, ऐसे दिखते नहीं है. आपका जो नॉर्मल स्किन टाइप है, आपकी ऑयली स्किन टाइप है, आपको फेशियल ऑयल यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. आप सोच रहे होंगे ये लड़की पागल है, क्योंकि मेरी ऑयली स्किन है, अगर मैं फिर भी ऑयल अप्लाई करूँगी मेरी स्किन तो
और भी ज़्यादा ऑयली लगेगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो ये मैं नहीं कह रही हूँ, एक ये साइंस कह रही है कि अगर आपका ऑयली स्किन है उसके ऊपर आप फिर से अगर आप ऑयल यूज़ करोगे तो आपकी स्किन कन्फ्यूज हो जाती है। तो आपका स्किन जो है ये सोचती है कि मैंने ऑलरेडी जो है ऑयल प्रोड्यूस कर ली है, ठीक है, तो वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस नहीं करेगी। ये अगेन मैं नहीं कह रही हूँ, ये साइंस कह रही है। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि एक आप एक पूरा बाकेट लेके ऑयल के अपनी स्किन में डाल लो। 2 or 3 drops ऑफ एनी फेशियल ऑयल जो आपके स्किन की सबसे आपको सूट करता है, ऐसा कोई ऑयल लेके आपके जो मॉइस्चराइजर है या नाइट क्रीम है जो भी कुछ है उस पर मिक्स करके अब अगर आप हर रोज़ अपने चेहरे पे रात को लगाओगे नाइट टाइम स्किन केयर के वक्त, तो आपको एक ह्यूज नोटिसेबल डिफरेंस दिखेगी आपकी जो स्किन है उस टेक्सचर में, तो आपके टेक्सचर मिनिमाइज हो जाएगी। तो ऐसे करके आप टेक्सचर को मिनिमाइज कर सकते हो, बट मेकअप अप्लाई करके आप टेक्सचर को वैनिश नहीं कर सकते हो। कीप दैट थिंग इन माइंड। एंड मेरी जो फाइनल टिप है वो है शेविंग। यस, अगर आपके फेस में बहुत सारे फेशियल हेयर है तो आप फाउंडेशन जो भी अप्लाई करो उस जो फेशियल हेयर है उस पर फाउंडेशन स्टक हो जाती है और ये स्मूथ नहीं दिखती है। तो अगर आप अपनी जो फेशियल हेयर है उसे आप रिमूव कर लोगे तो आपके अपर लिप्स पे या पीच फाजेस कहीं पे भी है अगर उसे रिमूव कर लोगे तो आपके फाउंडेशन ऐसे ही स्मूथ दिखेगी। और आप मैं बहुत ही जल्द फेशियल जो शेविंग है मैं कैसे करती हूँ इसके ऊपर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। जो मेरी जो नेक्स्ट वीडियो है उस पर मैं बताऊँगी कैसे आप हाईलाइट, कॉन्टोर, ब्लश ये सब आप कैसे अप्लाई करोगे, तो वो मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो ज़रूर कीजिए आपके जो फ्रेंड्स हैं। अगर कोई भी मेकअप में इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद देम। और आप अगर मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिए। सारा लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो प्लीज़ डू चेक दैट आउट। सो सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय एंड टेक केयर।